इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने विधानसभा क्षेत्र की गंगत, अटाड़ा, डागला, रप्पड़, भलाक पंचायतों के करीब 25 गांवों के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कुल 17 करोड़ रुपए राशि की लागत से बनने वाली स्कीम का शुक्रवार को भूमि पूजन कर कार्य को शुरू किया। इस पेयजल स्कीम के अंतर्गत 9 बोर बेल तथा 11 ओवरहेड वाटर टैंकों के साथ साथ पाइपलाइन का कार्य किया जाएगा। इस स्कीम के पूरा हो जाने से इस क्षेत्र के लोगों को वर्षों से आ रही पीने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए इंदौरा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।